नमस्कार दोस्तों, ई स्किल्स एजुकेशन सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नीरज शुक्ला आज आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी का पहला लेक्चर लेकर आया हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अक्षांश की। अक्षांश क्या होता है? तो अक्षांश को इंग्लिश में लैटिट्यूड बोलते हैं और अक्षांश होते क्या है ये बताएंगे आपको। तो मान लीजिए पृथ्वी को एक गोले के रूप में आपने एज्यूम कर लिया और इसको जो है एक बार बीचों बीच से एक लाइन खींच दी, जिसको हमने मान लिया विषुवत रेखा यानी इक्वेटर। और पृथ्वी की सतह पे एक पॉइंट हमने ले लिया, यहाँ पे हमने ये पॉइंट 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा के उत्तर में लिया है। आप चाहें तो यहाँ भी ले सकते हैं दक्षिण में। और मान लीजिए कि पृथ्वी का केंद्र जो है वो विषुवत रेखा के जस्ट एकदम सीध में है, यानी कि यहाँ पे मान लिया पृथ्वी का केंद्र हो गया और विषुवत रेखा पे एक पॉइंट ले लिया। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला दीजिए ऐसे, और ये मिला दिया हमने, ये जो एंगल होगा इसको हम बोलेंगे अक्षांश, यानी कि भूपृष्ठ पर यानी पृथ्वी की सतह पर विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में। तो विषुवत रेखा के उत्तर में हमने ये पॉइंट ले लिया, चाहे आप दक्षिण में ले लीजिए। और किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से नापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं, यानी इस बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से नापी गई कोणीय दूरी को हम अक्षांश कहते हैं। और हमेशा अक्षांश याद रखिएगा 0 डिग्री लाइन के रेफरेंस में नापा जाता है। तो आप चाहे साउथ में ले लें चाहे नॉर्थ में ले लें, कोई कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं और इस तरीके से आप अक्षांश निकाल सकते हैं। तो अक्षांश है पृथ्वी की सतह पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। अब अक्षांश वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से लेकर के पश्चिम तक खींची जाती हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार से खींची जाती हैं ऐसे पूरब से पश्चिम की ओर। और ये जो है ये विषुवत रेखा के पैरेलल में है, समानांतर रेखाएं हैं विषुवत रेखा के, तो इसको याद रखिएगा। और इनको जो है नापा जाता है डिग्री मिनट और सेकंड में। जैसे कि अगर किसी अक्षांश को लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, 23 डिग्री 30 मिनट 33 सेकंड, ये एक अक्षांश हो गया। यानी अक्षांश को लिखने का तरीका है डिग्री मिनट और सेकंड में। तो ये हो गया अक्षांश की बात। अब 0 डिग्री लाइन को हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। 0 डिग्री लाइन को, 0 डिग्री अक्षांश को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब भूमध्य रेखा के ऊपर के जितने भी अक्षांश होंगे यानी 0 डिग्री से लेकर नॉर्थ पोल के बीच में जितने भी अक्षांश होंगे उन्हें उत्तरी गोलार्ध भाग, उत्तरी गोलार्ध बोला जाएगा। और 0 डिग्री से लेकर साउथ पोल के बीच में जितने भी अक्षांश पड़ेंगे उनको बोला जाएगा दक्षिणी भाग, दक्षिणी गोलार्ध बोला जाएगा इसको, याद रखिएगा। यानी 0 डिग्री लाइन के ऊपर वाले उत्तरी गोलार्ध में आएंगे और 0 डिग्री से नीचे वाले आएंगे दक्षिणी गोलार्ध में। और जो रेखाएं जो हैं उत्तरी गोलार्ध में पड़ेंगी उनको उत्तरी अक्षांश रेखाएं बोला जाएगा, और जो दक्षिण गोलार्ध में पड़ेंगी उन्हें दक्षिणी अक्षांश रेखाएं बोला जाएगा। तो अब मेन मेन अक्षांश के बारे में बात कर लें तो 0 डिग्री अक्षांश जो है उसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है, और 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी 23.5 डिग्री उत्तर इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, ये इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से 23.5 डिग्री साउथ यानी 23.5 डिग्री दक्षिण को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला जाता है, यानी कि मकर रेखा बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अक्षांश में 66.5 डिग्री नॉर्थ है यानी 66.5 डिग्री उत्तर, जिसको हम आर्कटिक सर्किल बोलते हैं। और इसी प्रकार से 66.5 डिग्री साउथ इसको हम बोलते हैं एंटार्कटिक सर्किल, यानी कि ये 66.5 डिग्री उत्तर में है, तो दक्षिण में है, और इसको बोलते हैं एंटार्कटिक सर्किल। अब बात करते हैं जो अक्षांश जो है वो 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में आते हैं, उनको टोराइड जोन बोला जाता है, क्योंकि इन अक्षांशों पर पृथ्वी पर सूर्य की किरणें कभी ना कभी एक बार डायरेक्ट पड़ती हैं साल में। इन इन अक्षांशों पर सूर्य की किरणें साल में एक बार कभी ना कभी डायरेक्ट पड़ती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे गर्मी अधिक पड़ती है, यहाँ पे मैक्सिमम सोलर एनर्जी प्राप्त होती है,
तो इसको टोराइड जोन बोला जाता है, यानी उष्ण कटिबंध बोला जाता है, 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में, यानी कि मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में जो एरिया पड़ता है उसको टोराइड जोन यानी कि उष्ण कटिबंध बोला जाता है। फिर इसके ऊपर आइए, 23.5 डिग्री नॉर्थ और आर्कटिक सर्किल यानी 66 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो एरिया पड़ता है वहां पे गर्मी कम पड़ती है, क्योंकि वहां के सूर्य की किरणें डायरेक्टली नहीं पड़ती हैं, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन या उत्तरी उपोष्ण कटिबंध। यहाँ पे गर्मी थोड़ी कम पड़ती है यानी मॉडरेट पड़ती है। फिर इसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी 66.5 डिग्री उत्तर आर्कटिक सर्किल से लेकर नॉर्थ पोल के बीच में जो अक्षांश आते हैं वहां पे साल भर बर्फ जमी रहती है, क्योंकि वहां पे सोलर एनर्जी नहीं पहुंचती है या बहुत कम पहुंचती है। तो ये बात हो गई, इसको बोलते हैं नॉर्थ पृष्ठ जोन। फिर आप बात कर लीजिए साउथ में, साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा और एंटार्कटिक सर्किल के बीच यानी 66.5 डिग्री दक्षिण के बीच में जो जो अक्षांश पड़ते हैं उनको जो है साउथ टेम्परेट जोन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी गर्मी कम पड़ती है, डायरेक्ट सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, तो इसको साउथ टेम्परेट जोन यानी कि दक्षिणी उपोष्ण कटिबंध बोलते हैं। फिर अगर एंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल के बीच में जो लेटिट्यूड यानी कि अक्षांश आते हैं वहां फिर बर्फ जमी रहती है, इस वजह से ये साउथ फ्रिस्ट जोन बोला जाता है, और यहाँ पे भी हमेशा बर्फ जमी रहती है। अब मान लीजिए कि हम 0 डिग्री लाइन यानी कि इक्वेटर के उत्तर में चलें और 0 डिग्री से लेकर के 1-1 डिग्री के अंतर पर हम अक्षांश खींचते जाएं, यानी कि 0 डिग्री के पैरेलल में यहाँ पे 1 डिग्री अक्षांश, यहाँ 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री अक्षांश, 4 डिग्री अक्षांश, ऐसे हम बढ़ते जाएं तो नॉर्थ पोल तक हम पहुंचते पहुंचते टोटल 89 अक्षांश खींच सकते हैं। याद रखिएगा कि विषुवत रेखा से लेकर के नॉर्थ पोल के बीच में अगर 1 डिग्री के अंतर पे अक्षांश रेखाएं खींची जाएं तो टोटल 89 अक्षांश खींचे जा सकते हैं, इसको याद रखिएगा। इसी प्रकार से अगर हम विषुवत रेखा के नीचे जाएं यानी दक्षिण में जाएं और 1-1 डिग्री के अंतर पे अक्षांश खींचे तो टोटल 89 अक्षांश हम 0 डिग्री से लेकर साउथ पोल के बीच में खींच सकते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। अब अगर अक्षांशों की टोटल संख्या निकालनी हो तो 89 तो नॉर्थ पोल में, नॉर्थ पोल और विषुवत रेखा के बीच में हो गई, और 89 जो हो जाएंगी वो विषुवत रेखा और साउथ पोल के बीच में हो जाएंगी, और विषुवत रेखा भी एक अक्षांश है। तो इस प्रकार से जो है 179 अक्षांश खींचे जा सकते हैं टोटल, याद रखिएगा। टोटल अक्षांश कितने होते हैं 179, इसको याद रखिएगा। और अक्षांश जो है 1-1 डिग्री के अंतर पर खींचे जाते हैं, और जब 1 डिग्री के अंतर पर खींचे जाते हैं तो दो समानांतर अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, जैसे मान लीजिए ये 1 डिग्री अक्षांश है और ये 2 डिग्री अक्षांश है, तो इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, इसको याद रखिएगा। यानी दो समानांतर अक्षांशों के बीच में दूरी होती है 111 किलोमीटर। अब बात करते हैं देशांतर की। देशांतर को इंग्लिश में बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, देखिए सबसे पहले पृथ्वी बना लीजिए गोल, और यहाँ पे मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में खींची गई रेखा को तो जो है देशांतर बोला जाता है, और जो 0 डिग्री देशांतर होता है उसको प्राइम मेरिडियन यानी कि प्रधान या मियोत्तर रेखा बोला जाता है। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री देशांतर को बोला जाता है प्राइम मेरिडियन, और इसको प्रधान या मियोत्तर रेखा बोला जाता है, और ये जो है लंदन के ग्रीन बीच शहर से होकर गुजरती है, तो इसको ग्रीन बीच मीन टाइम रेखा भी बोला जाता है। याद रखिएगा कि ये लंदन के ग्रीन बीच शहर से होकर गुजरती है प्राइम मेरिडियन। अब जो प्राइम मेरिडियन यानी प्रधान यमियोत्तर रेखा के पूर्व में रेखाएं होती हैं जो कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से टच करती हैं, नॉर्थ नॉर्थ पोल से चलकर साउथ पोल पर खत्म होती हैं, तो उनको बोलते हैं पूर्वी देशांतर बोलते हैं। जो रेखाएं प्राइम मेरिडियन यानी कि प्रधान यमियोत्तर के पूर्व में होती हैं और नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक पहुंचती हैं उनको बोलते हैं पूर्वी देशांतर। इसी प्रकार से जो रेखाएं प्राइम मेरिडियन यानी कि प्रधान यमियोत्तर के पश्चिम में नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हैं
उनको बोला जाता है पश्चिमी देशांतर रेखाएं बोला जाता है। और ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये समानांतर नहीं होती हैं, ये पोल पर इनके बीच की दूरी कम रहती है, जबकि ये पोल से जब दूर जाती हैं तो इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। फिर पोल पे जैसे नॉर्थ पोल पे यहाँ दूरी कम है, फिर बीच में दूरी बढ़ गई, फिर साउथ पोल पे आके जब मिलेंगी तो फिर वहाँ पे दूरी कम हो जाती है। और इसके अलावा जो है ध्रुवों से जब विषुवत रेखा की ओर बढ़ेंगे तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। ये बात तो समझ में आ गई कि ध्रुव से जब ध्रुवों के पास जो है देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम कम है, अब यहाँ से जब हम विषुवत रेखा की ओर बढ़ेंगे यानी कि पृथ्वी के मिडिल की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ रही है, साफ दिख रहा है। और विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम होती है, यानी कि अगर मान लीजिए विषुवत रेखा यहाँ कहीं पे है तो यहाँ पे दो देशांतरों के बीच की दूरी अधिकतम होगी। और कितनी होगी अधिकतम दूरी? 111.33 किलोमीटर होगी अधिकतम दूरी, यानी दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी 111.33 किलोमीटर होगी। और वो कहाँ होगी? वो विषुवत रेखा पर होगी। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा देशांतर के विषय में। अब आइए भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो भारत की भौगोलिक स्थिति को समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा, मान लीजिए हमने एक लाइन खींच दी और उसको हमने बोल दिया ये विषुवत रेखा है, यानी कि 0 डिग्री लेटिट्यूड यानी 0 डिग्री अक्षांश है। अब इस विषुवत रेखा के उत्तर में जितने भी अक्षांश खींचे जाएंगे वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ेंगे और उनको उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा। इसी प्रकार से जो दक्षिण में खींचे जाएंगे विषुवत रेखा के उनको दक्षिणी गोलार्ध में यानी दक्षिणी अक्षांश कहा जाएगा। अब इन अक्षांशों को क्रॉस करती हुई प्रधान यम्योत्तर यानी कि प्राइम मेरिडियन लाइन खींच दीजिए। अब ये जो 0 डिग्री लाइन है जिसको हम प्रधान यम्योत्तर यानी प्राइम मेरिडियन कह रहे हैं, इसके पूर्व में जो लाइनें होंगी उनको हम पूर्वी देशांतर कहेंगे और जो पश्चिम में जो लाइनें होंगी उनको हम पश्चिमी देशांतर कहेंगे। तो भारत की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है यानी विषुवत रेखा के ऊपर पड़ता है, और यानी ये विषुवत रेखा है इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध पड़ता है, और देशांतर में देखा जाए तो भारत जो है पूर्व में पड़ता है। यानी भारत की कुछ भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में यानी उत्तरी अक्षांशों में पड़ता है और पूर्वी देशांतर में पड़ता है। तो इसको याद रखिएगा, भारत की भौगोलिक स्थिति जो है भारत उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांतर में पड़ता है। अब भारत की एग्जैक्ट भौगोलिक स्थिति क्या है इसको समझ लेते हैं। भारत की जो मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में, यानी कि भारत का अगर साउथ मोस्ट पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए और इसको बोल दीजिए 8 डिग्री 4 मिनट, तो भारत का जो सबसे उत्तर का पॉइंट होगा वो हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। याद रखिएगा, भारत की जो मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में फैली हुई है। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब हमको भारत के देशांतरी विस्तार के बारे में जानना है। तो भारत जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। यानी अगर मैं मान लूं कि मान लीजिए गुजरात का कोई सबसे पश्चिम वाला पॉइंट ले लीजिए यहाँ पे, और इसको हम मान लें कि ये 68 डिग्री और 7 मिनट ये पॉइंट ले लिया हमने, तो ये पूर्वी देशांतर हो गया 68 डिग्री 7 मिनट। और ये गुजरात में कहीं है तो अरुणाचल प्रदेश में कोई पॉइंट ले लीजिए जो कि सबसे पूर्वी पॉइंट होगा भारत का, वो है 97 डिग्री और 25 मिनट। यानी कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में है। और भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है मुख्य भूमि का वो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब अगर भारत के संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार मान लें यानी कि जिसमें हम भारत के आइलैंड्स वगैरह को भी ले लें, जैसे कि ये दिया हुआ है यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह वगैरह दिया हुआ है इसको भी ले लें,
तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार हो जाता है वो हो जाता है 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि भारत का जो नीचे वाला पॉइंट होगा वो यहाँ कहीं होगा और ये होगा 6 डिग्री 45 मिनट, और ऊपर वाला पॉइंट तो यही रहेगा। तो ये हो गया भारत की, संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार हो गया 6 डिग्री 45 मिनट। वैसे भारत की जो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में है, परंतु संपूर्ण भारत यानी आइलैंड वगैरह भी ले लिया जाए तो ये 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक के बीच में फैला हुआ है। और भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो भारत क्योंकि 23.5 डिग्री नॉर्थ के नीचे भी है, यानी कि भारत का ये हिस्सा जो है, ये जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में है, तो ये टोराइड जोन में आ जाएगा। तो ये यहाँ की जलवायु कैसी होगी, यहाँ की जलवायु हो जाएगी उष्ण जलवायु होगी, यानी उष्ण कटिबंध हो जाएगा। और जो 23.5 डिग्री वाली लाइन है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, इसके ऊपर वाली जो जलवायु होगी वो उपोष्ण होगी, यानी कि गर्मी पड़ेगी लेकिन मतलब यहाँ पे मैक्सिमम गर्मी नहीं पड़ेगी, इस एरिया में गर्मी ज्यादा पड़ती है और यहाँ भी गर्मी पड़ती है लेकिन उतनी नहीं पड़ती है, क्योंकि ये कर्क रेखा के ऊपर है, उत्तर में है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत विस्तृत है, तो भारत की भौगोलिक स्थिति पूछ रहा है और आंसर में जो देखिए ध्यान से तो अक्षांश के रूप में दे रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भारत जो है वो उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी गोलार्ध में है, इसको याद रखिएगा। अब भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में है, यानी भारत जो है अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में है। और भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। तो अगर ऑप्शन में अगर आप जाएं तो इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो सारे ऑप्शन गलत हैं, इस प्रकार से ऑप्शन डी होगा। तो भारत का जो भौगोलिक विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है, और देशांतरी विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस शहर से भी होकर गुजरेगा। तो सबसे पहली बात है, दो शहरों का अक्षांश समान होने का मतलब क्या हो गया, कि वो शहर जो है वो विषुवत रेखा से अगर पैरेलल कोई रेखा खींची जाए तो उसके समान में आए, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं सिक्किम की, तो सिक्किम यहाँ कहीं पे है, तो यहां से पैरेलल लाइन खींच दीजिए विषुवत रेखा के, तो जब आप पैरेलल लाइन खींचेंगे तो आपको एक राज्य मिलेगा राजस्थान, दूसरा मिलेगा उत्तर प्रदेश। अब चूंकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सिर्फ ऑप्शन में राजस्थान दिया है, इस प्रकार से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है वह कौन सा जिला है। तो ये क्वेश्चन राजस्थान के एग्जाम में आया हुआ है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है राजस्थान से लेकर। तो बोल रहा है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ये 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर से होकर गुजरती है, इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। अब आइए क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो नंबर 1 पे है रूस, दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे नंबर पे है अमेरिका, चौथे नंबर पे चीन, पांचवें नंबर पे ब्राजील, छठवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे इंडिया, यानी भारत जो है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पे रूस है, दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे अमेरिका है, चौथे नंबर पे चीन है, पांचवें नंबर पे ब्राजील है, छठवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है और सातवें नंबर पे भारत है, तो इस चीज को याद रखिएगा। और जनसंख्या के हिसाब से बात करी जाए तो भारत दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है। और भारत में टोटल 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और भारत का 29वां राज्य जो है वो तेलंगाना है, जिसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी।
तो अभी हाल में ही तेलंगाना दिवस भी मनाया गया था, इसको याद रखिएगा। तो तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य है, जिसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, इसको भी याद रखिएगा। और भारत का टोटल क्षेत्रफल यानी टोटल एरिया कितना है, तो भारत का टोटल एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के बीच में भारत फैला हुआ है। और ये जो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी ये एरिया जो है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। तो इन दोनों चीजों को याद रखिएगा कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और भारत का क्षेत्रफल जो है वो विश्व के टोटल क्षेत्रफल का 2.4% है। और 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल विश्व में जितने भी लोग रहते हैं उसके 17.5% लोग जो हैं वो भारत में रहते हैं। तो इस प्रकार से भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है और यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। टोटल वर्ल्ड के 17.5% लोग जो हैं ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में रहते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें भारत के पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक के विस्तार की, तो भारत जो है उत्तर यानी मान लीजिए यहाँ से लेकर के और दक्षिण तक में जो दूरी है वो है 3,214 किलोमीटर, यानी भारत जो है उत्तर से लेके दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और पश्चिम से लेकर पूर्व तक यानी कि अगर हम गुजरात का कोई पॉइंट ले लें और यहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी ले लें तो ये दूरी होगी 2,933 किलोमीटर। यानी कि भारत का जो फैलाव है वो उत्तर से लेके दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर है, और भारत का जो पश्चिम से लेके पूर्व तक का फैलाव है वो 2,933 किलोमीटर है, इसको याद रखिएगा ये सारी चीजें। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट जिसको याद रखने की जरूरत है, भारत का टोटल जो क्षेत्रफल हमने अभी बताया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यह वो क्षेत्रफल है जिसमें कि पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है भारत का कुछ एरिया, जिसकी माप है 78,114 वर्ग किलोमीटर, ये एरिया भी शामिल है इस 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में। पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया गया एरिया जो है 78,114 वर्ग किलोमीटर, ये भी शामिल है। और इस 78,114 वर्ग किलोमीटर में 5,180 वर्ग किलोमीटर जो है ये पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है, तो ये भी मतलब एक बात है, ये सारा एरिया इसमें शामिल है। और इसके अलावा चीन ने भी कुछ एरिया भारत का कब्जा कर रखा है, कितना कर रखा है, 37,555 वर्ग किलोमीटर चीन ने कब्जा कर रखा है। तो ये सारे एरिया जो है इस 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में नापे गए हैं, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में टोटल 6,40,932 गांव थे, तो याद रखिएगा भारत में टोटल 6,40,932 गांव थे 2011 की जनगणना के अनुसार, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं? तो 4 कथन दिए हुए हैं और पूछ रहा है भारत के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, जो कि गलत है क्योंकि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पे रूस आता है, दूसरे नंबर पे कनाडा आता है, तीसरे नंबर पे अमेरिका आता है, चौथे नंबर पे चीन आता है, 5वें नंबर पे ब्राजील आता है, 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे भारत आता है। तो भारत जो है वो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल के मामले में। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो पहला कथन गलत है। दूसरा कथन, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है, ये कथन सही है। भारत का टोटल एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एरिया में भारत फैला हुआ है, और ये विश्व के 2.4% एरिया के बराबर है, तो ये कथन सही है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, ये कथन गलत है क्योंकि भारत जो है वो उष्ण कटिबंध में भी है और उपोष्ण कटिबंध में भी है, तो इस प्रकार से ये कथन गलत है। भारत की भौगोलिक स्थिति है
8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 23 डिग्री 30 मिनट के बीच का जो एरिया है वो उष्ण कटिबंध में आएगा, और 23 डिग्री 30 मिनट यानी 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में जो एरिया आएगा वो उपोष्ण कटिबंध में आएगा। तो भारत जो है उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध दोनों में पड़ता है। इसके अलावा स्टेटमेंट 4 देख लीजिए, 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये कथन सत्य है। भारत का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है यानी कि भारत का जो मुख्य देशांतर है वो ये है 82 डिग्री 30 मिनट, जो कि इलाहाबाद के पास नैनी से पास होता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो इस प्रकार से कथन 2 और 4 सही है और आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का के देशों में कौन सा स्थान रखता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में 7वां स्थान रखता है। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। और भारत जो है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है क्षेत्रफल के मामले में। तो इसको याद रखिएगा कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में। क्वेश्चन नंबर 6, भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है, और भारत जो है सबसे पहले रूस है सब क्षेत्रफल के मामले में, दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे अमेरिका है, चौथे नंबर पे चीन है, पांचवें नंबर पे ब्राजील है, छठवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, सातवें नंबर पे भारत है। तो भारत 7वें स्थान पे आता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का कितने परसेंट जनसंख्या है? तो अभी 2011 की जनगणना में बोला गया था कि भारत में टोटल विश्व की 17.5% आबादी रहती है, परंतु यहाँ पे 17.5% कहीं ऑप्शन मैंने दिया है, तो सबसे नजदीकी ऑप्शन बी लग रहा है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो अभी 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में 6,40,932 गांव हैं। तो भारत में 6,40,932 गांव हैं टोटल, याद रखिएगा। इस प्रकार से इसमें जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं नजर आ रहा है, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन में दे रहा है भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर में है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल अभी हमने देखा था कितना था, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर था। तो अगर इसको हम बात करें मिलियन में, तो ये आ जाएगा 3.28 मिलियन, जो कि इस प्रकार से जोड़ा सही है। फिर अगला, भारत का अक्षांशी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है, तो ये सही है। अगला, भारत का रेखांकीय विस्तार यानी देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के बीच में, तो ये भी सही है। और भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं है, भारत में 26 राज्यों की संख्या 29 है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी सही होगा। और भारत में जो 29वां राज्य बना है वो है तेलंगाना, जो कि 2 जून 2014 को बना है। और भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 7 है। अब आइए कर्क रेखा के बारे में जान लेते हैं, कर्क रेखा भारत में कहाँ से गुजरती है? तो कर्क रेखा इसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोला जाता है, यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और ये भारत को लगभग बराबर 2 भागों में बांट देती है। तो भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से कर्क रेखा होकर गुजरती है, और भारत को लगभग 2 भागों में बांट देती है कर्क रेखा। और जब सूर्य उत्तरायण में होता है तो सूर्य जो होता है वो विषुवत रेखा से उत्तर में चला जाता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में चला जाता है। उस समय क्या होता है, दिन की अवधि बढ़ने लगती है उत्तरी गोलार्ध में, यानी उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होने लगते हैं। और 21 जून को जो है सूर्य उत्तरायण स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर होता है, यानी सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून के दिन।
और जून माह में कर्क रेखा के उत्तर में जाने पर दिनों की अवधि बढ़ती है। इसको याद रखिएगा कि कर्क रेखा के जितना अधिक उत्तर में कोई शहर होगा वहां पे उतना बड़ा दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैप में देख लेते हैं पहले। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय जो है झारखंड बिहार का पार्ट था, इस वजह से उस समय के हिसाब से बिहार आंसर सही है। तो बिहार से होकर उस समय गुजरती थी, परंतु वो बिहार का जो भाग है वो झारखंड में चला गया है। तो कर्क रेखा जो है वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से गुजरती है। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो सबसे पहली बात, कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो जिन भी ऑप्शन में ऑप्शन 3 दे रहा है उसको आप निग्लेक्ट कर सकते हैं। सी गलत हो गया, बी गलत हो गया और डी गलत हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन A सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से। तो कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है मध्य प्रदेश यहाँ से गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है। इस प्रकार से ऑप्शन D सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कर्क रेखा कितने भारतीय प्रदेशों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इस प्रकार से ऑप्शन B सही हो जाएगा। भारत का एक राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। तो जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती, गलत है। हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती, गलत है। बिहार से नहीं गुजरती, ये भी गलत है। झारखंड से गुजरती है। इस प्रकार से ऑप्शन D सही है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है? तो पहले में दिया है अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। तो इसमें जो है आपको इन शहरों के अक्षांश मालूम होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगरतला का अक्षांश है 23 डिग्री 50 मिनट, गांधीनगर का है 23 डिग्री 13 मिनट और जबलपुर का है 23 डिग्री 11 मिनट, उज्जैन का है 23 डिग्री 9 मिनट। तो ये अक्षांश जो है इनकी जो है 23 डिग्री 30 मिनट से दूरी कितनी है इसको निकालना पड़ेगा। 23 डिग्री 30 मिनट से डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो अगरतला है -20 में आ रहा है, ये +17 में आ रहा है, +19 में और ये +21 में। तो इस प्रकार से गांधीनगर जो है वो कर्क रेखा के निकटतम शहर में से हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन B सही है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा से सबसे निकट में है? तो यहाँ पे इन शहरों का अक्षांश पता होना चाहिए। दिल्ली का अक्षांश है 28 डिग्री 61 मिनट उत्तर में है, फिर ये 22 डिग्री 33 मिनट उत्तर में है कोलकाता, फिर ये 26 डिग्री 29 मिनट उत्तर में है और ये 21 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है। और कर्क रेखा जो है वो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में पड़ती है। और कर्क रेखा से सबसे कम दूरी जो होगी वो कोलकाता की होगी, क्योंकि ये 22 डिग्री 33 मिनट उत्तर में है। तो इस प्रकार से कोलकाता ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन B सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करने का काम जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा करती है, यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो जो है भारत को 2 भागों में बांटती है। तो ये 23.5 डिग्री उत्तर ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से ऑप्शन D सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इसको आप मैप से देख के सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन में दिया है झारखंड, तो झारखंड जो है वहां से कर्क रेखा होकर गुजर रही है। मणिपुर, मणिपुर जो है वो कर्क रेखा से ऊपर की तरफ है मणिपुर, तो यहाँ पे ये ऊपर में है, तो ऊपर होने का मतलब है उत्तर में है। और मिजोरम जो है मिजोरम से कर्क रेखा होकर गुजर रही है, और त्रिपुरा जो है यहाँ से भी कर्क रेखा होकर गुजर रही है, और सिर्फ जो है मणिपुर जो है ये कर्क रेखा यहाँ से गुजर नहीं रही है,
इसके नीचे से गुजर रही है, यानी कि मणिपुर जो है वो उत्तर में है। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो जून के महीने में सूर्य जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध में होता है, और विषुवत रेखा से जितना अधिक उत्तरी अक्षांश की ओर बढ़ेंगे दिन की अवधि उतना अधिक बढ़ेगी। तो यहाँ पे सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश जो होगा वो दिल्ली का होगा, और दिल्ली का सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश होने की वजह से दिन की अवधि दिल्ली में सबसे अधिक होगी, अगर इन इन शहरों से तुलना की जाए। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है।